नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले हैं। जी हां मित्रों, जो छोटे छोटे तांत्रिक वस्तु होती हैं, ये हमें आगे बढ़ने में काफी प्रोग्रेस करने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। इससे दोस्तों मार्केट में धड़ाके के साथ बिक रहे हैं। कई जगह ये डुप्लीकेट भी मिलते हैं, लेकिन सावधान रहे, सतर्क रहे, ओरिजिनल माल आपको मिलते हैं, ओरिजिनल सामग्री मिलते हैं, तब ये आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करते हैं और पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। पहले नंबर पे आता है डोंगे का कील। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि डोंगे का कील साधक को धन ईश्वर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार नाव को ये पानी में डूबने से बचाता है, एकत्रित करके रखता है, ठीक उसी प्रकार ये साधक को भी किसी भी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं, धन में घाटा होने से बचाता है। निरंतर ये साधक को आगे बढ़ाता है, उसे धन मार्ग में काफी आगे बढ़ाता है, उन्हें शक्ति मार्ग में आगे बढ़ाता है। और डोंगे का कील माना जाता है पहनने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साधक को हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बनाए रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति डोंगे का कील पहना होता है, उसे किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया नहीं लगती। दूसरे नंबर पे आते हैं घोड़े की नाल। इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में घोड़े की नाल लगा होता है, उस घर पर साक्षात शनिदेव की कृपा बरसते हैं, फिर वह घर पूर्ण रूप से अन्नधन से भर जाते हैं, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमने बहुत से ऐसे साधक को देखे हैं जिसने ओरिजिनल घोड़े, जो काले घोड़े के नाल होते, उसने अपने घर में लगाए और आज पूर्ण रूप से अन्नधन से परिपूर्ण है। और उन्हें सही तरीके से एक ऐसा समय था कि एक वक्त की रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाता था, जो वह अन्नधन से भरे हैं। तीसरे नंबर पे आता है बिल्ली का जेर। इसके बारे में भी मैं अपने कई वीडियो में जिक्र किया हूं। बिल्ली का जेर अगर किसी को मिल जाए तो भाग्य चमका सकते हैं। तो बिल्ली का जेर का किस प्रकार से प्रयोग होता है तंत्र में धन प्राप्ति करने में, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको बिल्ली का जेर मिल जाते हैं, तो इसे धूप में सुखा लेना है, इस पर हल्दी छिड़क देना है। धूप में सुखाने से पूर्ण रूप से सूख जाएंगे, इसमें हल्दी छिड़क देना है। हल्दी छिड़कने से जल्दी खराब नहीं होते। फिर आप इससे पैसा वाले गल्ले हैं या आलमारी है, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे भी पूजा स्थान पे रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली का जेर जिस स्थान पे होता है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी स्वयं साक्षात रूप में निवास करती है, फिर उस जगह को अन्नधन से भर देती है। जिस घर में लक्ष्मी रहने लगे, जिस स्थान पे लक्ष्मी निवास करने लगे, स्वतः वह घर अन्नधन से भर जाते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी को माँ चामुंडा का साक्षात स्वरूप बताया जाता है। माँ चामुंडा हत्था जोड़ी पर साक्षात रूप में निवास करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति अगर हत्था जोड़ी रख ले, सिद्ध करके हत्था जोड़ी अपने घर में स्थापित कर ले, तो उनके घर अन्नधन से भर जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार के शत्रु आपको स्वतः ही नुकसान पहुंचा रहे, बेवजह नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हत्था जोड़ी से आप प्रार्थना करें। सिद्ध हत्था जोड़ी से प्रार्थना करने से शत्रु का सर्वनाश कर देते हैं। यह हत्था जोड़ी को गले में धारण करने से साक्षात चामुंडा उस साधक की रक्षा करता है। रुआ साधक हमेशा अन्नधन से भरे रहता है, मतलब वह साधक जो है अमीर बन जाते हैं। तो आशा करता हूं मेरे वीडियो में बताई गई छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। आज की जानकारी ही पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।